कभी कभी आपका कोई फ्रेंड ऐसे नहीं बोलता कि यार देखना केपी यहाँ पे जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। स्टार्टिंग तो मेरे साथ ही हुआ था कि फ्रेंड कह रहे यार केपी दिख रहा है, कभी अजीब से लग रही वहाँ सही, यहाँ क्या वो ठुकी क्या, फिर क्या कर रहा भाई कहाँ ठुकी यार, ऐसा मत बोल, फिर डैश कैमरा चालू करा, अच्छा यहाँ तो ठुकी नहीं, यहाँ तो ठुकी नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये इसका फॉल्ट है ये। मैं इनको दिखाया, विवन कंपनी वाले भी अग्री कर रहे हैं कि उन्हें उसके पास तो आप भी ऐसा बोल दिया करो ना कि फाइव स्टार है यार। ये बोलते कि फाइव स्टार अपना फिर अपना सर ऊंचा करते होंगे ये, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने गाड़ी की ऐसी हालत कर दी थी कि मतलब आप पूछो मत, जब मैं देखने गया पीडीआई करने के लिए, एज ए पीडीआई के लिए, तो ये मेरी गाड़ी है, जब देखने तो कोई और गाड़ी थी, पूरा बोले सर आपको साफ करा के देंगे हर जगह से कहीं यहाँ, हाँ इसमें एक रस्टिंग का इशू है मैंने देखा इसमें, मैं भूल गया था इस बात को, वो है इसमें भी? इसमें है रस्टिंग का इशू, काफी रस्टिंग थे यहाँ पे, इवन जो इनके लोगोज ना यहाँ देख लो, यहाँ जाएंगे पीछे जो आप साइलेंसर है वहां से निकल रहे हैं, अभी भी लग रहा है, साफ करा है बट अभी भी है, इसमें रस्टिंग का इशू है इस गाड़ी में, रस्टिंग का इशू, रस्टिंग का इशू बहुत है इसमें, पीछे जो हमें साइलेंसर है वहां से पूरा रस्टिंग मार गया पूरा, अच्छा इवन अभी एक साल भी नहीं हुआ गाड़ी को, तो ये मैंने इनको दिखाया था, बोले सर अभी देखो हम करते हैं कुछ और चेक कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित, आज फिर से एक बार हमारे साथ में है टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर केपी। हेलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू, आपने समय निकाला वीडियो में आए, आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखिए वैसे तो हमारे ये आर्मरेस्ट के कस्टमर हैं, इन्होंने हमसे आर्मरेस्ट परचेज किया, वो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे पेट्रोल में। इन्होंने कुछ खामियां इस गाड़ी में ढूंढी है, खरीदने के बाद कैसा एक्सपीरियंस इनका रहा, इस वीडियो में सब कुछ वही बातें करेंगे। अपनी गाड़ी का आर्मरेस्ट लेने के लिए आए थे और वो हमने इनको दे दिया, अब ये इसका फीडबैक बताएंगे, गाड़ी के अंदर चलते हैं। अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो डिस्प्ले पे नंबर दे देता हूँ, लेकिन पहले आर्मरेस्ट देख लो कि आर्मरेस्ट कैसा है। तो गाड़ी के अंदर आ गए हैं सर, लेने के लिए आए थे हमसे ये आर्मरेस्ट, ये देखो आप ऐसा कुछ आर्मरेस्ट है, इनकी गाड़ी है ओशियन ब्लू। अब जिनकी गाड़ी में ऐसा आता है ना, पास में आके दिखाओ, ये देखो अगर ऐसी खाली जगह है तो हमने इसमें आर्मरेस्ट बनाया है, इसमें दो ब्लॉक्स मिलते हैं आपको ये वाले, ये जस्ट आपको इसमें ऐसे रख के और ये रख देना है। अभी मैंने इनको आर्मरेस्ट दिया है लेकिन फीडबैक बताएंगे सर। अच्छा एक बात बताइए, आपने मुझसे कॉन्टेक्ट किया यूट्यूब पे वीडियो देख के, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छी है इसका, जो फेस एंड फिनिशिंग है ना बहुत प्यारा लगा मुझे इसकी, मतलब ये लगता ही नहीं है कि हमने लगा रखा बाहर से लगाया है, लगा बिल्कुल ओरिजिनल, ऐसे कंपनी फिटेड ऐसा फील हो रहा है इसे बिल्कुल भी। और सबसे मेन चीज क्या है कि आपको इसमें पेच वगैरह कुछ लगाना, कुछ नहीं लगाना, कहीं कुछ डैमेज भी नहीं हो रहा है, अपना प्रॉपर से फिट हो गया और आराम से अपने इसे यूज करो, बहुत ही मतलब यूजफुल लगा मुझे ये। मैं दो तीन दिन अभी ऑफिस गया उसको लेकर के, बहुत सही लगा मुझे इसका, मतलब हमारा हाथ तो ऑलरेडी गियर के बाद हम यहीं जाते हैं, हाँ। बहुत कंफर्ट फील आता है कि और अगर ये ना हो तो आपको फिर परेशानी, फिर वही हाँ फिर उठाना पड़ता है, फिर ऐसे रखना हाँ, पड़ता है, यहाँ पकड़ना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। अभी ये रहेगा तो आपके हाथ में दर्द वगैरह भी नहीं होगा। अभी दो लोग मैं बैठ के दिखाता हूँ आराम से, बिल्कुल सही चल। अगर आपको भी ऐसा आर्मरेस्ट ऑर्डर करना है तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसका प्राइस है 749 फॉर ऑल ओवर इंडिया। और हमारे प्रोडक्ट की पॉलिसी है कि अगर आपको पसंद नहीं आता या कोरियर में डैमेज हो जाता है तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। 750 प्राइस है और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 7 से 8 दिन के अंदर कहीं पे भी पहुंच जाएगा। आर्मरेस्ट का जो कलर है वो ब्लैक या अपनी मर्जी से आप करा सकते हैं, लेकिन अगर पूरा आर्मरेस्ट अगर आप चेंज कराओगे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जाएंगे। स्टिचिंग आप कोई भी करा सकते हैं, ओशन ब्लू, पर्पल, वाइट, रेड, ऑल ब्लैक, डार्क एडिशन के लिए। बाकी गाड़ी में लगने के बाद आपको आर्मरेस्ट ऐसा नहीं दिखेगा ये कि बाहर से लगाया है। जब आपको मोबाइल वगैरह रखना हो तो यहाँ पे आप आराम से मोबाइल भी रख सकते हैं। ये देखो ये मोबाइल यहाँ पे आराम से आ गया है, देख लिया। तो अगर आपके पास नेक्सॉन है या लेने का सोच रहे हो तो फटाफट दिए गए मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप आर्मरेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो केपी सर, सबसे पहले आप ये बताइए, ये गाड़ी आपने कब ली और कितने की ली थी? ओके सो एक्चुअली ये गाड़ी मैंने लास्ट ईयर जब नेक्सॉन लॉन्च हुई थी फेसलिफ्ट, तभी मैंने बुक करा दी थी। ओके और मेरी वाइफ का बर्थडे आता है 24 अक्टूबर को, सो मुझे उनको गिफ्ट करना था। ओके तो बस थोड़ा सा कहानी इसके पीछे, बट मेरा पर्पस था उसी टाइम पे लेने का, तो मैंने वाइफ के लिए ली थी ये, और 24 अक्टूबर के टाइम पे। तो बाकी ये मुझे पड़ गई थी ऑन रोड 13-40 के आसपास की पड़ गई थी। 13-40 है ये, ठीक है। तो कौन कौन सी गाड़ी आप देख रहे थे उस टाइम पे? तो 3XO आई नहीं थी, 300 थी, तो उसमें थोड़ा इंटीरियर का इशू था, बेसिक थी वो, बेसिक था थोड़ा सा। और मेरे उस टाइम पे मेरे जहन में एक थी ब्रेजा, ब्रेजा काफी चल रही थी उस टाइम पे, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है वो तो, बट थोड़ा सा उसका इंटरनल जो लुक था ना, थोड़ा सा मुझे वो लुक फील नहीं आ रहा था मुझे, वो मारुति वाला फील दे रही। इवन मैंने उसको बुक कर दी थी, अच्छा बुकिंग ऑर्डर दे दी थी, और बट ये नेक्सॉन लॉन्च हो गई, वो मैंने ये अगस्त सितंबर से ढूंढ रहा था मैं गाड़ी, ये लास्ट ईयर में ये आई, शायद सितंबर में आई है ये। ओके तो मैंने उसकी बुकिंग करा दी थी 10,000 रुपए दे करके। जब ये लॉन्च हुई तो मैंने देखा यार इसका इंटरनल काफी अच्छा है, वाइफ के साथ हम गए
तो हमने फिर उस डीलरशिप वाले से कहा नहीं नहीं हमें कोई और गाड़ी पसंद आएगा, हम वहाँ जाते हैं। हाँ। उन्होंने इवन कन्विंस कराया कि नहीं नहीं हम कुछ आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप ये कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ। बट उन्होंने कहा नहीं हम नेक्सॉन के साथ ही जाएंगे, तो ओके। फिर ये मैंने फाइनल कर दी। बट इस बीच मैंने सोनेट भी देखी, वही एज ए अगेन इसका इंटीरियर थोड़ा सा पुरानी वाली सोनेट, अभी तो फिर भी ठीक ठाक है, अभी फेसलिफ्ट आ गया। अच्छा, उस टाइम पे लास्ट टाइम नहीं आया था वो, थोड़ी सी मतलब लुक वैसे आते ओल्ड सी लुक था, अंदर व्हाइट व्हाइट साल बहुत लंबा सा रखा था, ओल्ड लुक था। और एक और थी वेन्यू, वेन्यू देखे थे, बट वही वेन्यू सोनेट एंड क्रेटा सेल्टोस सेम टू सेम है, तो हमें वो पसंद नहीं आई, तो बस हम यही एक होते यही ये कलर तो आपने छटा के एकदम लिया है, कौन सा ओशन ब्लू कलर है? ओशन ब्लू कलर है। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले आपके पास में कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले मेरे पास तो पैसे कोई गाड़ी नहीं थी, फ्रेंड्स की गाड़ियां थी। अच्छा, ये मेरी पहली गाड़ी है, हां ये फर्स्ट टाइम बायर गाड़ी। ये बात कहीं ना कहीं सही है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ अपनी वीडियो में कि टाटा नेक्सॉन जो ज्यादातर लोग लेते हैं ना वो फर्स्ट टाइम बायर है। राइट राइट। मालूम है क्यों? एक तो उसका माइंडसेट रहता है बंदे का कि मुझे सेफ्टी वाली सेफ्टी गाड़ी चाहिए, मैंने यही पर्पस चला सेफ्टी। गुड लुकिंग तो अब बना दिए, पहले वाली नेक्सॉन उतनी अच्छी नहीं लगती थी। वो पहले नेक्सॉन हमने देखी थी बट पसंद नहीं, जैसा बैक लुक ना बहुत ही सिमिलर सा था, मतलब अलग ही कहां से डिजाइन लाए थे टाटा। वो डिजाइन तो बिल्कुल लगा, अभी सुंदर दिखती है गाड़ी। हां जी, तो पहले माइलेज की बात अपन करेंगे। हाँ हाँ, एक साल से आप इस गाड़ी को चला रहे हो? हाँ ऑलमोस्ट एक ईयर हो गए मेरे को चलाते। आप मुझे सिटी में कितना माइलेज देती है ये बताओ। सिटी का थोड़ा सा इसका मतलब ऊपर नीचे है, सिटी का ऐसा है कि अगर आप एसी चला रहे हैं नॉर्मल स्पीड में तो आपको वही 11-12 निकाल के दे देती है, उतना ही देगी, उतना ही दे रही और है। जो लोग ये बोलते हैं मेरी गाड़ी 17-18-20 का माइलेज देती है वो सॉरी मैं वो हाईवे में देती है, हाईवे नहीं नहीं, बहुत से बोलते हैं भाई मैं निकाल रहा हूँ 17 का माइलेज सिटी में। यार आपको पता है दिल्ली नोएडा का ट्रैफिक पता ही है, कितना ट्रैफिक, तुरंत गए फिर रेड लाइट। मैं बोलता बोलता थक गया हूं। नहीं उस पे तो नहीं, वैसे मैंने मैक्स जो निकाली इको मोड पे, इको मोड है एक मोड जिसमें आपको ठीक ठाक निकल जाएगा, मैंने 14-14.5 निकाली है, बट फिर भी अगेन आपको वही एसी का कम यूज करना पड़ेगा, इस टाइम मेरे सही मिल रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो ये 12-13 का, हाँ 12-13 बोल सकते हो, 12-13 से। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि मैं घूमने गया था उत्तराखंड, रिसेंटली राइट राइट, तो हाईवे पे कैसा माइलेज दिया? हाईवे पे हमने थोड़ा सा जब हम गए ना तो गए तो हमें ऑलमोस्ट ये 19 से करीब का टच कर गया, क्योंकि मैं हम नॉर्मल सिटी मोड चला रहे थे, बट आटे टाइम पे फ्रेंड से तो फन टू ड्राइव, वही स्पोर्ट मोड ये वो, तो वही 16-17 के आसपास हमें निकला। फ्रेंड्स के साथ में देखा नहीं जाता ना, बिल्कुल लगता है यार चलो यहाँ चलो यहाँ ले लो, कोई चला रहा ड्राइवर भी चेंज होता है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। वो इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है? जैसे 3 सिलेंडर है तो क्या दब जाता है? पावरफुल इंजन है? इंजन तो पावरफुल है क्योंकि हमने वहाँ पे पहाड़ियों पे काफी हमने ट्रैवल करी है। हाँ। इंजन काफी पावरफुल है उसका, हमें कभी ओवरटेक करने में दिक्कत नहीं हुई। अगर आप इको मोड चला रहे फिर आपको लगेगा लगीसा चल रहा है हल्का सा। हाँ। बट इको मोड आपको एवरेज निकालना है, हाईवे प्लेन है, क्रूज कर दो अपन चलती रहेगी। बट अगर आप लग रहा है कि नहीं आप फैमिली साथ जा रहे हो थोड़ा सा पावर चाहिए, तो आप बाइडिफॉल सिटी मोड रहता है इसका, आप स्पोर्ट मोड लगा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, उस वक्त पावर का फील आपको नहीं आएगा, बट थोड़ा सा नॉइजी है स्टार्टिंग में, जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो नॉइजी फील होता है, बट उसके बाद अगर गाड़ी थर्ड गियर में आ गई फिर तो नॉइज नहीं चलती है, मस्त चलती है। अच्छा केपीजी एक बात बताइए, अभी तो आपने नेक्सॉन को तो यूज कर लिया लगभग एक साल, अगर मैं आपसे अब कहूँ कि अभी सोनेट भी है, 3XO भी है और नेक्सॉन ब्रेजा, एक और एक दो दिन पहले गाड़ी लॉन्च हुई है स्कोडा की, आप इस बजट पे कौन सी गाड़ी के साथ जाएंगे? सच बताना, क्योंकि तो हमारे व्यूअर्स यही फंसे रहते हैं। अभी तो क्या है कि बीइंग मतलब इंडियन, मैं टाटा और महिंद्रा ही प्रेफर करूंगा। ओके ओके। और महिंद्रा का जो मैंने 3XO नई वाली देखी है, इवन क्योंकि फ्रेंड्स ली है तो मुझे ले गए थे भाई देख कैसी क्या गाड़ी है, बट मुझे उसका जो लुक है ना अपनेटली पसंद नहीं आया मुझे उसका। आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उसका लुक मतलब पता नहीं उन्होंने क्या ही सोच के बना दिया है, लुक अच्छा नहीं है उन्होंने, और अंदर से थोड़ा सा बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी गाड़ी, मतलब आपको फील नहीं आएगा कि आप अच्छी गाड़ी में बैठे हो, इंटीरियर अच्छा नहीं उसका, तो मैं तो इसी के साथ जाऊंगा अगेन, साथ जाओ अगेन विद दिस। क्या चलो मतलब काफी खुश हो गाड़ी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। स्पेस वगैरह तो इसका जो रूफ है, आपकी हाइट लगभग 6 फीट होगी? नहीं 5'9" ना। पीछे बैठे हो अपनी गाड़ी में? हाँ बिल्कुल बैठे, ऐसे बताया भी लौट के आ रहे थे। तीन लोग बैठ के क्या हेड वगैरह टच होता है? जैसे हेड तो वैसे नॉर्मली टच नहीं होता है, बट क्या ऐसे कोई बंदा हेल्दी हल्का सा ना, तो हमारे ग्रुप में सब नॉर्मली सेम मेरे लेवल के हैं, तो मैं पीछे भी हूँ, मैं पीछे बैठा हुआ था। हाँ। क्योंकि बोले तू फील कर कैसा लगता है, कैसा लगता है, तो मैं पीछे बैठा, थोड़ा सा है पैरों में कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड है हल्का सा, बट फिर भी आप मूव कर सकते हैं, तो अंदर इंटीरियर काफी है अच्छा उसका। ओके। तो उतना ज्यादा इशू नहीं है लॉन्ग ड्राइव, इवन हम उत्तराखंड गए थे ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर होगा जहाँ हम गए थे घूमने के लिए, तो हमें उतना ज्यादा फील नहीं हुआ, हम 5 लोग गए थे, फुल पैक गड़े थी, आया भी फुल पैक, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ हमें कुछ भी। अच्छा जैसे सभी चीजें फेस करते हैं, सर्विस तो आपकी गाड़ी की हो गई होगी? मैं थर्ड सर्विस कराई रिसेंटली, तो क्या खर्चा आ गया सर्विस का? थर्ड में तो इन्होंने ऑलमोस्ट 4000 टच कर दिया मेरा। ओके। और सेकंड में ज्यादा ही था, अराउंड 1100 ही था मेरा सेकंड सर्विस। अभी 10,000 चलिए तो इंस्पेक्शन वगैरह? हाँ अभी हो गया, इस थर्ड वाले में हो गया इंस्पेक्शन, मैंने जानबूझ के करवाया बोल के, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना लॉन्ग टूर में जाना अभी। ओके।
अभी मैं नेक्स्ट वीक ही प्लान कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का टूर है। तो सर्विस ठीक ठाक हो गई, एक्सपीरियंस कैसा था? सर्विस का थोड़ा सा एक्सीडेंट टाटा का खराब रहा मेरे साथ। बेसिकली ये आपका जो सेक्टर 62 वाला है, सागर मोटर्स का जो है, यहाँ पे दो तीन जगह मैंने ट्राई किया, नहीं सही रहा। एक पड़पड़गंज वाला भी जो आपका वहाँ पे है, गाजियाबाद में जो पड़ता है, वो भी उस समय कोई खास सर्विस नहीं रहा। बट ये आपका जो परी चौक के पास पड़ता है ना, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा सर्विस सेंटर वहाँ पे। मैं रिसेंटली मैंने वहीं पे कराया हुआ है। अच्छा, टाटा को क्या करना चाहिए सर्विस सेंटर सुधारने के लिए? अब मैं जो मुझे फील आया, वहाँ के जो बंदे है ना, वो इतने टेक्निकल, उनको जानकारी है ही नहीं इस नई वाले वर्जन के बारे में। वो पुरानी गाड़ी को लेकर अभी तक चल रहे हैं, उनको प्रॉपर एजुकेट करा ही नहीं गया है। और जो वहाँ पे काम करने बंदे हैं, वो उतने मतलब क्वालिफाइड नहीं है, नए बंदे हैं वहाँ पे। और जो सीनियर बंदे हैं, वो पता थोड़ी बहुत पहचान होती है, भाई उसका कर ले, उसका कर ले, उसका कर ले। अगर आप जाके चढ़ जाओगे रिलेशनशिप मैनेजर के ऊपर, नहीं मेरी गाड़ी होगी तभी जाके होगा। मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि दो तीन महीने एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में। शुरू में जब मैंने ली थी गाड़ी, तो इसके इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत हैंग करता था, इतना परेशान होता कि बहुत दिक्कत है इसका। तो मैंने इसके लिए कंप्लेन रेज करी, इन्होंने हार्वन कार्टन का टाइड अप है इनका, उसका म्यूजिक का, उनका बंदा आया, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, नहीं ठीक हुआ। मैंने कहा मुझे इसका रिप्लेसमेंट दो, पूरा नया चाहिए उसका। उन्होंने और भी बहुत सी ट्राई मारी, बोला अब फिक्स हो गया। बट अभी मतलब लास्ट सर्विस तो सही चल रहा है, बट बीच में हैंग कर जाता वो। तो फिर उन्होंने चेंज किया इसको? नहीं किया, नहीं चेंज नहीं किया इन्होंने। सॉफ्टवेयर हर बार सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहे वो बैक एंड से। इन्होंने लैपटॉप लगाया है, मेरा फ्रेंड है, उसके पास भी सफारी है। बोलते हैं कि टाटा की जब गाड़ी नई नई आती है तो इसका इंस्ट्रूमेंट और इंफोटेनमेंट ये हैंग होता है, राइट? जैसे पुरानी होती रहती है तो फिर वो चलने लगता है धीरे धीरे। आप कह सकते हो, हमारी भी आदत हो जाती है कि हमें अभी चलो यार 2 मिनट के लिए हैंग हो गया, थोड़ी देर में अपने आप ही आ जाएगा, हम भी अभी चलो जाते हैं। बट ये तो है कि शुरू में ज्यादा दिक्कत कर रही थी, बाद में जैसे जैसे अपडेट लाया या कैसे, तो उन्होंने उसमें वर्कआउट किया जो पुराने इश्यूज थे, लोगों के फीडबैक्स गए, तो उसके बाद थोड़ा सही हो गया, उन्होंने सही कर दिया है। बट अभी भी थोड़ा बहुत इशू है इनका, इसमें जो गूगल मैप है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। वो आप यहाँ जाओगे आपको यहाँ दिखाएगा, कई बार मेरे साथ इशू आया, मैंने हैंग हो जाता है। मैंने रिकॉर्डिंग करके उनको दी, हार्मन कार्डन वालों को जिनका टाइड अप है, उन्होंने मुझे अलग से फॉलो अप लिया, वो आए चेक करे। उन्होंने जब वो ड्राइव कर रहे तो नहीं हो रहा है, बट ये ना ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, ये कभी कभी होता है। अच्छा, बुरा नहीं लगता जैसे चार लोग आपके फ्रेंड साथ में जा रहे हैं ये और आप तारीफें मार रहे हो अपनी गाड़ी की? बिल्कुल, और ये समय से हैंग हो गया, इसने अपनी औकात दिखा दी, तो बुरा नहीं लगता? बहुत बुरा लगता। हमने जब नई नई गाड़ी ली थी तो हम गए थे खाटू श्याम घूमने फ्रेंड के साथ ही, 4-5 फ्रेंड थे हम। वहाँ पे यही हुआ, गाड़ी मेरी पूरी ब्लैकआउट हो गई। और इसके बाद जब वो वापस आया 5 मिनट बाद, तो जो मैप चल रहा था, क्योंकि हम मैप के भरोसे गए थे, वो रास्ता भूल गया हम, यहाँ हमने घुमा दिया उसने। फिर काफी देर हमने वेट किया, दूसरे मोबाइल से ट्राई किया, तब जाके फिर हमने देखा। तो इसमें है इशू इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, क्योंकि नया नया है, टाटा ने इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं करा है। मालूम है क्या है कि टाटा अभी इन चीजों में नया नया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो टाइम तो देखो तो लगेगा, देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बस वही है, टाटा वाले गाड़ी एकदम पे बेचते हैं, एकदम से बेचते हैं, 5 स्टार गाड़ी है, 5 स्टार गाड़ी, इसी को दम पे मेरी 5 स्टार गाड़ी है। लेकिन यार सेटिंग है, जो एक एम्बियंस है, जो एक प्राउड फील आती है ओनर को, वो अंदर बैठ के आते हैं, वो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस बात को नेक्सॉन को 1 साल हो गया, सफारी को भी लगभग इतना ही समय हो गया। हाँ बिल्कुल, सेम टाइम, तो अब तक तो सुधारना चाहिए ना। ये ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ियों में हो रहा है, जो अभी भी गाड़ी ले रहे हैं। मैं रिसेंटली बात हुई थी, लास्ट मंथ थी, तो अपने मैं गया हुआ था ये परिचौक वाले में, तो इनके जो टाटा पर हार्मन कड़न, उनका भी बंदा आया हुआ था, टाटा का सीनियर बंदा था, मैं भी गया था, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि हम इसे वर्कआउट कर रहे हैं, पीछे से सॉफ्टवेयर अपडेट, नए पैच अपडेट ला रहे हैं, और कस्टमर से रिकमेंड कर रहे हैं कि अपने जो सॉफ्टवेयर अपडेट कराइए। इवन मेरे पास भी एक बार आया था, जो इसका सेफ्टी बेल्ट है उसका कुछ नट में इन्होंने चेंजेस करे थे, तो अपने आप बुलाया था कि आप आ जाइए, हमने कुछ अपडेट किया, रिकॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं। हाँ, तो कर रहे हैं बैकएंड में, बट वही है कि एंड ऑफ द कस्टमर तक आने तक में पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते, ये भी दिक्कत है ना। मतलब आप अपनी गाड़ी की ड्राइविंग और लुक फीचर्स से पूरी तरह सेटिस्फाइड है। अब थोड़ी नेगेटिव की बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या 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 चीजें हैं जिसने आपको निराश कर दिया इस गाड़ी से? सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया हुआ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसका बहुत ही मतलब उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा निराश हुआ मैं, क्योंकि नॉर्मली क्या है, मैं दिल्ली में उस टाइम में थोड़ा सा बाइक कार थोड़ा नया था, तो गूगल मैप ही सहारा है कि हम यहाँ जा रहे हैं, वो अब वो चल नहीं रहा, हैंग हो गया, तो बहुत दिक्कत होती है उसमें। सेकंड चीज मुझे इसमें लगी, जो इसका इशू है, मुझे ब्रेकिंग का इशू इसमें काफी लगा है। ओके, इशू था जो मैंने इनको लास्ट अभी सर्विस में उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा मुझसे कुछ चेंज कर देते सही हो जाएगा, बट शायद सही हुआ कि नहीं हुआ मुझे अभी ज्यादा नॉलेज को भी चली नहीं, पिछले वीक हुआ इसका। गाड़ी में ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो इसका ब्रेकिंग थोड़ी सी कम है इनफैक्ट। अच्छा। क्योंकि हम जब काफी हाई स्पीड से जा रहे हैं ना, तो अगर आप ब्रेक, आपको लगता है कि आपको ब्रेक अचानक यहाँ लगाना है, थोड़ा सा आगे जाकर रुक दीजिए। ये सेम चीज मैंने एक टियागो ओनर से भी जानी थी, अभी लास्ट टाइम मैंने एक ओनरशिप डाला है अपने चैनल पे,
टियागो ओनर ने भी यही बात बोली थी कि उनके ब्रेक काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, ब्रेक कभी कभी दबाते हैं और लगता ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही सेम चीज का प्रॉब्लम है यार। तो शायद वो ब्रेक ऑयल का हो सकता है, वो जाके दिखाओ क्योंकि एक सेकंड भी कम होती है। करेक्ट, बहुत राइट राइट राइट। अभी हमारे साथ एक हादसा होते हुए ब्रेक की वजह से हालांकि बच गया, एक डॉग आ गया था रास्ते में। ओके, तो अचानक हमने ब्रेक मारे तो थोड़ी देर में जाके गाड़ी रुकी, तो पीछे वाला भी बंदा था थोड़ा सा बच गया, पहले रुक सकती थी। हाँ बिल्कुल, हाँ बट हो गया, बट ठीक है, बच गए सारे के सारे। चलो, एक तो आपका ये इंफोटेनमेंट हो गया सॉफ्टवेयर का, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा इसका फिट एंड फिनिश का इश्यू तो आपको पता है, टाटा का अभी वो ला नहीं पाया। दो तो बड़े मुद्दे हैं, सर्विस सेंटर और फिट एंड फिनिश। पीछे यहाँ पे मुझे बहुत फील होता है गैप सा, इधर भी पीछे गैप सा बहुत ज्यादा है। इवन लाइटिंग की पोजीशनिंग उनकी बहुत खराब है, इधर आप देखेंगे प्रॉपर है। फ्रेंड ऐसे नहीं बोलता कि यार देखना केपी यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्टार्टिंग तो मेरे साथ यही हुआ था कि फ्रेंड कह रहे यार केपी दिख रहा है, कभी अजीब सी लग रही, वहाँ सही, यहाँ क्या वो ठुकी क्या, फिर क्या कर रहा भाई, कहाँ ठुकी यार, ऐसा मत बोल। फिर डैश कैमरा चालू करा, अच्छा यार ठुकी नहीं, यहाँ तो ठुकी नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये इसका फॉल्ट है। ये मैं इनको दिखाया, इवन कंपनी वाले भी अग्री कर रहे हैं कि उन्हें उसके पास तो आप भी ऐसा बोल दिया करो ना कि फाइव स्टार है यार। ये बोलते यही बोल के अपना फिर अपना सर ऊंचा करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बोलते, ये होता है। वैसे देखो इतनी अच्छी गाड़ी टाटा मोटर्स ने बनाई, अब तो सीएनजी में भी आ गई यार। हाँ, अब तो सीएनजी में लॉन्च करी, इवन सेम कलर लॉन्च कराई। हाँ सेम कलर लॉन्च किया है, डुअल सिलेंडर साथ में टर्बो चार्ज इंजन, टर्बो चार्ज भी कर दिया बिल्कुल। और इसके अलावा क्या नेगेटिव लगा फिट एंड फिनिश के अलावा? इसमें ड्राइविंग कैसी है इस गाड़ी की? ड्राइविंग तो काफी अच्छी है इसकी, काफी अच्छी है। फ्रेंड से भी चलाई है, हम हाईवे पे दो तीन बार जा चुके हैं, ड्राइविंग बहुत अच्छी है इसकी। हैंडलिंग जो आपकी है बहुत स्मूथ है, थर्ड गियर लगने के बाद तो आपकी ड्राइविंग बहुत प्रॉपर हो जाती है। अच्छा, गाड़ी का जो माइलेज आपको सिटी में मिलता है, देखिए लोग बोलते हैं मेरी हाईवे पे रनिंग है, हाईवे पे हफ्ते में एक दो बार बंदा निकलता है मोस्टली सिटी में। जैसे मैं रहता हूँ अभी यहाँ पे, अर्बन सिटी है, आप रहते हो तो हमारी सिटी में ही गाड़ी ज्यादा चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, रनिंग भली ज्यादा हो या कम हो, माइलेज से आप सेटिस्फाई हैं या निराश हैं? 11-12 का माइलेज कुछ ज्यादा कम नहीं है? जिस हिसाब से हमने पैसे डाले हैं उस हिसाब से लगा थोड़ा सा कम है, बट अगेन बीइंग लाइक थोड़ा सा हैवी गाड़ी है तो आ गई ना वही बात। तो ले लेती है थोड़ा सा माइलेज, ले लेती है, कोई बात नहीं, इतना चलता है एटलीस्ट, मतलब 12-13 बार तक निकाल दे रही है तो चलो ठीक है, चलता है इतना। अच्छा एक बात बताओ, ये चीजें जो आप फील कर रहे हो, ये हैंगिंग, पैनल गैप, सर्विस सेंटर का इशू है ना, और भी दो चार चीजें हैं जो ओनर तभी फील करता है जब वो गाड़ी चलाता है, यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम लोग आपको तब इतना बता पाते जब तक हमारे पास गाड़ी होती है, लेकिन ओनरशिप रिव्यू देखने के बाद आपके बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकते हैं गाड़ी को खरीदने के लिए। बाकी 14 लाख रुपए आपने, 13 लाख रुपए इस गाड़ी के लिए खर्च किए, राइट राइट, 13 लाख में आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शन है, अब तो बहुत ऑप्शन आ गए हैं, बहुत सारे हैं, काफी फेसलिफ्ट्स भी आ गए गाड़ियों के, मैं मानता हूँ कि इससे अच्छे भी हैं। हाँ बिल्कुल हैं, इससे अच्छे लुक तो एक पर्सनल चॉइस हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल, आपको नेक्सॉन पसंद आई, किसी किसी को बेहद पसंद है 3XO, बिल्कुल हाँ राइट राइट, और सोनेट भी इवन लोगों को पसंद, सोनेट बहुत ज्यादा। और मैं तो मानता हूँ कि यार जो एक ड्राइवर एंथुजियास्ट बंदा है ना, कार एंथुजियास्ट बंदा है, उसके लिए काइलैक एक बढ़िया ऑप्शन, बिल्कुल हाँ, जो भी रिसेंट में आई है वो भी अच्छा। मुझे कुशाक का रियर लुक अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से काइलैक का रियर लुक देखा है ना, सिंपल सा पोलो की तरह, बिल्कुल हाँ, वो पोलो के डाल दिया पीछे साइड, वो थोड़ी एसयूवी बना दी है लेकिन पोलो की कमी दूर कर सकती है, इंजन फीचर्स बिल्ड क्वालिटी सब सेम मिल रही है उसका, तो अलग ही मतलब फॉक्सवैगन का तो अलग ही चीज है उसका, लेकिन वो गाड़ी लोग खरीदेंगे नहीं। हाँ वही, उनका कई लोग का ये मेंटालिटी है ना कि यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है, या कभी कुछ हो गया गाड़ी को, कम बाहर गया तो उसका जल्दी नहीं मिलेगा, ये तो है ही, सर्विस सेंटर की कमी है, सर्विस बहुत कम है इनकी। एक कारण और भी है यार, सामने बड़े बड़े लोग खड़े हैं। हाँ ये बात, नेक्सॉन चार ऑप्शन आते हैं, बिल्कुल हाँ, पेट्रोल डीजल सीएनजी इलेक्ट्रिक, करेक्ट, 3XO में दो पेट्रोल इंजन एक डीजल, डीजल है, ब्रेजा सीएनजी पेट्रोल, सोनट में डीजल पेट्रोल और 1 लीटर टर्बो, बिल्कुल, लेकिन कुशाक ये काइलैक कहाँ पे मार खा जाएगी, एक ही वन लीटर के पास है ना, एनए है उनके पास, बस यही है राइट, एक ही इंजन है वो भी 1 लीटर का टर्बो चार्ज राइट। तो जब बड़े बड़े लोग सामने खड़े हैं तो पड़ता है, इंडिया है, बिल्कुल इंडिया है, यहाँ इंडिया है, इसलिए थोड़ा कम बिकेगी, लेकिन ये है कि जो थोड़ा बहुत स्कोडा के जो कस्टमर्स हैं जिन्हें 11 लाख में वर्टस या टाइगून का बेस मॉडल मिलता था, अब वो लोग उस पे जा सकते हैं, करेक्ट करेक्ट, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट राइट। बाकी वैसे तो आप अपनी गाड़ी से पूरी तरह सेटिस्फाई लग रहे हो? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल पूरा पूरा सेटिस्फाइड हूँ। हिल एरिया में आप इसे लेके गए थे? हाँ जी हाँ जी। कितने लोग थे आप गाड़ी में? हम 5 थे टोटल, 5 लोग, 3 बीच में पीछे। कैसा परफॉर्म किया पहाड़ियों में गाड़ी ने? काफी अच्छा परफॉर्म किया,
कहीं भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ। इसने दिक्कत दी थोड़ी बहुत, थोड़ा सा ये इससे जो आप मैंने कई जगह देखा इसको ए पिलर शायद बोलते हैं, ये दिक्कत करता है ये, है ना। कभी अगर हम ऐसे टर्न करते हैं ना तो बिजली थोड़ा सा दिक्कत होती है वाले, ये है इसमें इशू ये वाला का। ओके, तो उधर वाला भी वो करता है बट ये बात मुझे ज्यादा दिक्कत किया इसमें वाले ने, क्योंकि नॉर्मली अगर ऐसे मोड आ रहा है ना तो उधर तो पता चलता है कि मैंने इंडिकेटर दिया तो कैमरे में दिख जाता है, सीसीटीवी कैमरा इसमें है। सेम प्रॉब्लम मेरी इको स्पोर्ट में है, ये दिक्कत है ये मोटर। चार दिन पहले मुझसे एक बंदा बच गया भाई, मैं विजयनगर से मैंने यू टर्न लिया और ऑटोमेटिक हेडलैम्प जले, इतने वो जले ना इतने, तो बंदा इसमें मतलब छुप गया वो। अच्छा अच्छा, मैंने गाड़ी घुमाई वो एकदम से भाग के निकला तो दिखा, अदरवाइज गाड़ी लग सकती थी, लग सकती थी राइट। तो ये कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट है और मजबूती का भी है भाई ये। हाँ, ये देखा कि मजबूती की वजह से थोड़ा सा मोटे किए उन्होंने उसके। बहुत सारे लोग आपकी गाड़ी के DRL बंद हुए हैं कभी चलते चलते? हाँ, एक बार बंद हो गया चल चल चलते, इसका स्टार्टिंग में हुआ था, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई। मैं 2-3 महीने आप लिव नहीं करोगे, हर एक हफ्ते में सर्विस सेंटर, 2 बार तो वर्कशॉप चला गया। कभी ऐसा नहीं लगा यार गलती कर दी? वही रियली सिर्फ लगा कि गलती कर दी यार, कि मैंने टाटा की गाड़ी ले, मैं उनको बोलता था यार आपने नई गाड़ी लॉन्च करी है तो कुछ देख के तो करते, फीडबैक ले करके तुमने से लॉन्च कर दी और कस्टमर को पकड़ा दी गाड़ी, पकड़ा दी। और ये जो मैंने ली थी ये उसमें उस शोरूम पे जो गाड़ी आई थी पहली गाड़ी थी इस कलर की जो मैंने पटपड़गंज वाले से उठाई थी, तो किसी वजह से ये 2 महीने खड़ी रहेगी सर्विस वहाँ पे, इनके जो एरिया होते हैं जहाँ पे गाड़ी गैराज में खड़ी रहेगी, क्योंकि मैंने कंपनी थ्री ली है इसको तो लोन पास में थोड़ा टाइम लगा था तो 2 महीने वही खड़ी रहेगी थी। तो उन्होंने गाड़ी की ऐसी हालत कर दी थी कि मतलब पूछो मत। जब मैं देखने गया PDI करने के लिए एज ए PDI के लिए, तो ये मेरी गाड़ी है, जब देखा तो कोई और गाड़ी थी, पूरा बोले सर आपको साफ करा के देंगे हर जगह से कहीं यहाँ। हाँ, इसमें एक रस्टिंग का इशू है मैंने देखा इसमें। हाँ, मैं भूल गया था इस बात को, वो है इसमें भी? इसमें है रस्टिंग का इशू, काफी रस्टिंग थे यहाँ पे, इवन जो इनकी लोगोज ना यहाँ देख लो, यहाँ जाएंगे पीछे जो आप साइलेंसर है वहां से निकल रहे हैं, अभी भी लग रहा है साफ करा है बट अभी भी है। इसमें रस्टिंग का इशू है इस गाड़ी में, रस्टिंग का इशू, रस्टिंग का इशू बहुत है इसमें। पीछे जो हमें साइलेंसर है वहां से पूरा रस्टिंग मार गया पूरा। अच्छा, इवन अभी 1 साल भी नहीं हुआ गाड़ी को, तो ये मैंने इनको दिखाया था, बोले सर अभी ये देखो हम करते हैं कुछ और चेक कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं लोग। तो आप तो पक्के देश प्रेमी लग रहे हो फिर, मतलब इतनी चीजें देखने के बाद आप बोल रहे हो कि मैं फिर से इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं टाटा में 7 साल काम किया मैंने, तो अभी जस्ट टाटा छोड़ी मैंने, TCS PCS में था मैं। ओके ओके, तो मैं उसी टाटा लवर ही हूँ वैसे ही, तो इस वजह से ये मेरा प्रायोरिटी था कि मैं टाटा ही गाड़ी ले। वैसे रतन टाटा जी ने यार ग्रो तो किया बहुत बहुत, मतलब उन्होंने अभी चले गए वो बिल्कुल, उनके सम्मान में 2 शब्द जरूर कमेंट में लिख देना बिल्कुल। बाकी नैनो, उसके बाद में सफारी डिकोर, उनसे जाके अभी टोटली चेंज कर दिया, चेंज कर दिया पूरा, लो लेवल का मार्केट भी उन्होंने पकड़ लिया। कहना बेइज्जती का मतलब इस लेवल पे ले रहे हैं, नंबर 1 चल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राइट। तो दोस्तों ये गाड़ी के नेगेटिव पॉजिटिव तो आप सभी को पता है, नेगेटिव जानने आप लोग यहाँ पे आते हो सकता है। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो KP जी थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, आपने टाइम निकाल के अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया। तो मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ में, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक जरूर दबा दो यार, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू दोस्तों।